महाराष्ट्र सरकार ने दीपावली के पहले ही स्कूल शुरू करने के बारे में निर्णय लिया था। आगामी 23 नवंबर से महाराष्ट्र में 9वीं से 12वीं कक्षा के स्कूल शुरू होने जा रहे हैं। इतने महीनों के बाद आखिरकार 23 तारीख को स्कूल की घंटी बजने जा रही है। ऐसे में कोरोना को देख राज्य सरकार के सभी स्कूलों के शिक्षकों को कोविड जांच करना जरूरी बताया है। ये जांच निःशुल्क रहेगी। शहर में भी नागपुर महानगर पालिका, रोटरी क्लब और सेवा सदन इनके संयुक्त विद्वान से शिक्षकों के कोविड जांच शिविर का आयोजन किया गया था। शहर के सेवा सदन में ये जांच की गई। मैं योगेश टावरी, रोटरी क्लब ऑफ नागपुर ईशान्य से बोल रहा हूँ। हम लोगों ने टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ है जो स्कूल्स का, उनके लिए कोविड टेस्ट कैंप अरेंज किया है। और इसमें अपने कुंडाली की स्कूल लखोटिया भुतड़ा विद्यालय और पुणे सेवा सदन का स्टाफ, सरस्वती विद्यालय का स्टाफ और इतर बहुत सारे वीरेंद्र हाई स्कूल, ऐसे बहुत सारे स्कूल्स के स्टाफ, टीचिंग नॉन टीचिंग आकर हम NMC के एसोसिएट होकर ये कैंप कर पाए। मैं डॉक्टर सागर नायडू, नागपुर महानगर पालिका से। अब तक करीब हमारे 200 टेस्ट हो चुके हैं और 50-60 आने की गुंजाइश है। और टोटल हम लोग ने एक्सपेक्ट किए थे कि टोटल 300 अराउंड लोग आएंगे और अराउंड उतने लोग आ ही रहे हैं। और अभी रजिस्ट्रेशन चालू है और टेस्टिंग भी चली रही है। ये अपन RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं तो इसकी रिपोर्ट्स अपने को मोस्टली 1-2 दिन में मिलती है। ये सैंपल्स लैब में जाते हैं टेस्ट होने के लिए, तो उसको टाइम लगता है, तुरंत रिपोर्ट्स नहीं मिलती है इस चीज़।